एक लड़के ने उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी। अरे हो जाती है यार शादी इसमें इतना। तो उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि कुछ निशानी दे दो जिसको मैं जिंदगी भर अपने पास रखूं। तो उस लड़की ने अपनी एक जूती निकाली, दे दिया। लड़का उस जूती को लेके गया सुनार के पास, जो सोने वगैरह का काम करते सुनार, उनके पास गया। उसने कहा कि इस जूती को चांदी के फ्रेम में बना दो। सुनार ने कहा अच्छा, कल शाम को आके ले जाइएगा। दूसरे दिन लड़का गया तो सुनार ने उसको चांदी की फ्रेम में जूती को बना के एकदम बाकायदा ला के लड़के के सामने प्रेजेंट किया। उसने कहा साहब, लड़के से हाथ जोड़ा, कहा साहब। बोले हाँ। बोले ये किस पीर औलिया की जूती है? तो बोले ये किसी पीर औलिया औलिया की जूती नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है उसकी जूती। सुनार ने जूता निकाल के 3-4 जूते मारा। तो बदतमीज कहीं गए। लड़के ने क्या हुआ, कहा कल से मेरा पूरा खानदान इसको 20-20 बार चूमे जा रहा है कि किसी औलिया की जूती, औलिया की जूती, औलिया की जूती। सर ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। यहीं से तो शुरुआत है सेमिनार की, कि तुम जहां बैठे हो वहां आईएएस असंभव है और रामेश्वर जहां बैठा है वहां आईएएस मजाक है। तो ये असंभव मजाक में कैसे बदले, कैसे तुम यहां आकर बैठो? उसका पहला सूत्र यही है कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो पहले उसको समझो, वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं। और ऐसे सामान्य हम, इकरा की एक बहुत अच्छी अदा रही है, हम हमेशा उस एस्पिरेंट को कॉल करते हैं जिसने कुछ, जिसने असंभव को मजाक बनाया हो। सैफिन भी आया था, उसने भी असंभव को मजाक ही बनाया था। सामान्य, अति सामान्य परिवार, अति सामान्य, सामान्य